महोत्सव है तो इसमें पेड़ पौधे लगाना हमारे जीवन के अंदर किस तरह से उपयोगी माना जाता है? देखिए, आज छिहत्तरवां मन महोत्सव है, उसके अवसर पर आज हम सभी ने यहाँ आरकेएसटी कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल साहब, चेयरमैन साहब और मैं और हमारे डीसी साहब और सभी वन विभाग के अधिकारीगण सभी ने यहाँ पर पौधारोपण किया और हमारे जीवन में ऑक्सीजन और पर्यावरण के लिए पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी जो ये आज का कार्यक्रम है वन महोत्सव, उसको हर एक जिले से जुड़ेंगे और अपना संदेश देंगे भी इसको पर्यावरण, जल और वन को किस तरह बचाना है और किस तरह इसकी देख रेख करनी है। और जैसे अब कोविड महामारी आई, उसको देखते हुए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो उसको पूरा करने के लिए मैं ये कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें, वन लगाएं, उसकी देख रेख करें। और अगर कोई किसी के घर में कोई किसी प्रकार का जन्मदिन है या सालगिरह है और भी कोई कार्यक्रम है, मैं तो कहूँगी उसमें भी एक एक पौधारोपण करना चाहिए। और पौधारोपण करना ही नहीं, उसकी देख रेख भी करनी चाहिए। 3-4 साल के लिए जैसे बच्चे की हम देख रेख करते हैं, इसी तरह ही हमें पौधों की देख रेख करनी चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्या नाम, वनों का बहुत ही महत्व है। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, हमारे वन विभाग ने और सभी ने मिलकर इसको मनाया, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, हरियाणा सरकार द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल संरक्षण हो, आप लोगों से क्या अपील करेंगे अपने घरों में या खेतों में या दूसरी अन्य जगह पर किस तरह से जल का संरक्षण करें ताकि जो भूमि का जल स्तर है वो ऊपर आ सके? देखिए, जैसे आज वन महोत्सव है, इसके साथ जो पौधारोपण के साथ साथ जल संरक्षण का भी महत्व है, तो आज जल भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार कहते हैं भी हम पानी को बचाओ, जैसे कोई बारिश का पानी है, कहीं खड्डा बना दिया, किसी भी तरह से उसको बचा के रखें, तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए पानी ज़रूरी है। और अब पानी की कमी होती जा रही है, तो मैं तो यही कहूँगी भी ज़्यादा से ज़्यादा जल को भी बचाएँ और वन भी लगाएँ और साथ साथ में इसका ध्यान रखें।